विश्व संगठन ने कोरोना प्रबंधन के लिए योगी सरकार की तारीफ की, बाकी राज्यों के लिए उदाहरण, यूपी में किया गया काम। WHO ने की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रयासों की सराहना। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को। जिला जज की अदालत में सिर्फ 5 मिनट हुई मामले में सुनवाई। श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट अदालत में पेश नहीं हुआ। ट्रस्ट की ओर से वकीलों ने ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए मांगा समय। बच्चों के यौन शोषण मामले में आरोपी जूनियर इंजीनियर कोर्ट में पेश। CBI की ओर से पूछताछ के लिए दाखिल रिमांड अर्जी पर हुई सुनवाई। गुरुवार को रिमांड पर होगा फैसला। 5 दिन की रिमांड मांगी। 4 दिन तक चलने वाला छठ पर्व शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महोत्सव को लेकर दिए विशेष निर्देश। 31 नवंबर को सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा व्रत। सामूहिक आयोजन से बचने का दिशा निर्देश। पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले। प्रयागराज में तड़के हुआ हादसा। शादी से लौट रहे थे कार सवार लोग। 33 नंबर के जरिए पुलिस ने की गाड़ी मालिक व चालक की पहचान। अब घर पर ही की जा सकेगी कोरोना जांच। अमेरिका में लॉन्च हुई घर पर जांच करने वाली किट, पहली ऐसी किट जिसका इस्तेमाल खुद किया जा सकता। अब प्रमुख ट्रेनें बसों में यात्रियों की होगी कोरोना जांच। रैंडम आधार पर यात्रियों की कोरोना राय जाने के निर्देश। दिल्ली में बढ़ते पॉजिटिव केस के बाद यूपी के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। इटावा में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया लाखों की चोरी का खुलासा। शिक्षक के घर में हुई चोरी का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। एक दिन में काशीराम कॉलोनी के निकट सूने घर से लाखों की हुई थी चोरी। परिवार नियोजन में इस बार पुरुष भी होंगे भागीदार। 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक 2 चरणों में चलेगा पखवाड़ा। पहले चरण में दंपति संपर्क और दूसरे में होगी नसबंदी। यूपी में विधानसभा मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने का अभियान शुरू। 15 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे दावा आपत्तियां। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक युवतियां बन सकेंगे वोटर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने COVID-19 प्रबंधन रणनीति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार WHO कंट्री रिप्रेजेंटेटिव रोड्रिको को कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए यूपी सरकार की रणनीतिक प्रतिक्रिया प्रशंसनीय है और अन्य राज्यों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकती है। आधिकारिक बयान में आगे कहा गया कि वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार द्वारा COVID-19 प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले संपर्कों पर नज़र रखने के लिए COVID-19 सकारात्मक मामलों के उच्च जोखिम वाले संपर्कों तक पहुंचने के लिए 70,000 से अधिक फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में काम किया। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व विवाद में जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में महज 5 मिनट की सुनवाई के बाद अगली तारीख 10 दिसंबर दे दी गई है। दरअसल आज 4 प्रतिवादियों को अदालत में पेश होना था, लेकिन श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत में पेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ताओं ने अदालत से ऑब्जेक्शन दाखिल करने का समय मांगा। इस पर अदालत ने सुनवाई की नई तारीख दी है। जन्मभूमि पर मालिकाना हक हासिल करने के लिए 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में वाद दायर किया गया था। कहा गया था कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद है वही कृष्ण जन्मस्थान है। पचास से ज्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण करने के आरोपी जूनियर इंजीनियर राजभवन को CBI ने आज बांदा कोर्ट में पेश किया। CBI ने आरोपी से और पूछताछ करने के लिए अदालत में 5 दिन रिमांड के लिए अर्जी लगाई, लेकिन आरोपी के वकील ने पत्रावली पढ़ने का समय मांगा। इसके चलते कोर्ट ने रिमांड पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख दी है। इस दौरान पत्रकारों ने इंजीनियर ने उस पर लगे आरोपों के बाबत कई बार सवाल किया, लेकिन वह चुप्पी साधे रहा। जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग में कार्यरत है। मंगलवार को CBI ने चित्रकूट स्थित उसके आवास से उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद शासन ने उसे निलंबित कर दिया। सरकारी वकील मनोज दीक्षित ने बताया कि आरोपी के वकील राजभवन ने पत्रावली पढ़ने के लिए अदालत से समय मांगा, इसलिए अदालत ने रिमांड के लिए अगली डेट 19 नवंबर तय की है। 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। रिमांड पर गुरुवार को फैसला होगा। पूर्वांचल व बिहार का प्रमुख पर्व छठ उत्सव की शुरुआत बुधवार से हुई। छठ पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करने के बाद गृह विभाग ने भी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ज़्यादातर महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वे छठ पूजा घर पर ही रहकर मनाएं। छठ पूजा स्थल पर 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। पूजा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी तैनात होंगे। छठ पूजा स्थल महिलाओं के लिए चेंज रूम बनाए जाएंगे। पूजा स्थल पर डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस तैनात रहेगी।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार तड़के बबूल के पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लग गई। इसमें सवार 3 लोगों को निकालने का मौका तक नहीं मिला और उनकी झुलसकर मौत हो गई। यह हादसा यमुना पार में कोरामा थाना क्षेत्र के जवनिया नहर के समीप हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कार में सवार लोगों के एक कंकाल बरामद हुए हैं। कार के 46 नंबर के जरिए पुलिस ने गाड़ी मालिक व उसके ड्राइवर की शिनाख्त की, जबकि इस हादसे में मृत तीसरे व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सभी एक शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उसने पहली सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के जरिए घर पर कोरोना का टेस्ट किया जा सकता है। इसे मात्र 30 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। USFDA की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सिंगल यू टेस्ट किट का निर्माण ल्यूक्री हेल्थ ने किया है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जा सकता है। इस किट के जरिए खुद नाक से स्वाब सैंपल लेकर टेस्ट किया जा सकता है। USFDA के मुताबिक 14 साल या इससे बड़े लोग इस किट के जरिए कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। दिल्ली और आसपास कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार इस मामले में काफ़ी सतर्कता बरत रही है। अब हवाई जहाज, प्रमुख ट्रेनें और बसों से आने वाले यात्रियों को रैंडम आधार पर कोरोना की जांच के लिए एंटीजन टेस्ट कराए जाएंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 5% या उससे अधिक पॉजिटिव केस पाए जाने वाले जिलों में टेस्टिंग टारगेट की समीक्षा की जाए। जिन क्षेत्रों में कोरोना के अधिक केस आ रहे हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाते हुए फोकस टेस्टिंग की जाए। यूपी के इटावा जिले के थाना एकदिल क्षेत्र के अंतर्गत काशीराम कॉलोनी के पास एक शिक्षक के सुने मकान से लाखों की चोरी को अंजाम देकर चोर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा लगातार चोरों को पकड़ने की कवायद की जा रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई और मुखबिर की सूचना के आधार पर एकदिल थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से सोने चांदी के आभूषण नकदी बरामद हुए। चोरों ने बताया कि वह दिन में सुने मकानों का जायजा लेते थे और रात को चोरी को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस महीने पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। यह पखवाड़ा 2 चरणों में चलेगा। पहले चरण में दंपति संपर्क अभियान चलाकर परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरे चरण में इच्छुक पुरुषों को नसबंदी की सेवा प्रदान की जाएगी। औरैया जिले में CMO डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि समाज में एक बहुत बड़ा मिथक है कि पुरुष यौन क्षमता प्रभावित होने के डर से नसबंदी नहीं करवाते हैं, जबकि सिर्फ एक भ्रांति है। पुरुष नसबंदी करने की प्रक्रिया बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही आसान है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम शुरू किया गया है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक युवती या मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में दर्ज किसी भी प्रविष्टि को दुरुस्त कराने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। औरैया में उप जिलाधिकारी सदर रमेश यादव ने बताया कि 22 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर व 13 दिसंबर को विशेष तौर पर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम बढ़वाने या किसी प्रविष्टि को दुरुस्त कराने के लिए दावे आपत्तियाँ 15 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhabar.com पर जाएं।